ये मैंने एक पेज खोला हुआ है, मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, व्यू को पेज सोर्स कर सकता हूँ। अगर आप जावास्क्रिप्ट में और डेवलपमेंट में आ रहे हैं तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीजें हैं। तो मैं व्यू को पेज सोर्स करके देखता हूँ क्या है इसमें, बहुत कुछ दिख रहा है बट इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि अगर हम आसानी से इसको पढ़ के और समझना चाहें तो हम नहीं समझ सकते, मतलब डायरेक्ट आप एक नजर में इसको नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आप गौर से किसी एक पार्ट को देखेंगे, इसके किसी भी पार्ट को, तो आपको धीरे 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 कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। लाइक यहाँ दिस डॉट ओ इज इक्वल टू ए लिखा है इसने, क्या कर रहा है? कोई दिस होगा, अगर जानते हैं तो ये करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कुछ ओ होगा जो इससे कुछ रिलेटेड होगा, क्या रिलेटेड है सब बहुत बात की बात है। उसमें ये जो सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट के लिए होता है, तो इसको ए असाइन कर रहा है। तो इसी तरीके से पूरे पेज में सारी बातें लिखी तो हैं पर हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ट्राई कैश लगा हुआ है, ये चीजों को हैंडल करने के लिए होता है। तो ये जो पेज आपको दिख रहा था उसके पीछे का हिस्सा ये रहा, खूबसूरत नहीं है पर यही है। उसके अलावा अगर किसी एक पेज को खोल लेते हैं, मान लीजिए रेडिफ मनी खोल लेता हूँ, अब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, जैसे ये एक बॉक्स लगा हुआ है, तो ये कैसा बॉक्स है? ये इनपुट लेने के लिए बनाया होगा HTML में, ठीक। ये बॉक्स है जिसपे आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, गेट पोर्ट लिखा हुआ है, ठीक। मान लेते मैंने कुछ नाम लिख ही दिया, ये लिख दिया मैंने, और लिखते ही यहाँ देख रहे होंगे पेज रीलोड होने लगा। तो ये कैसे होने लगा? अब जो ये पेज की डिजाइन बन लिखी गई होगी, जो इस पेज की डिजाइन लिखी गई होगी, इस वाले पेज की जहां हम थे, तो ये जो लिखी जाती है डिजाइन बनाई जाती है, इसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो HTML होती है। मतलब यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि H1 टैग लगा होगा जो हेडिंग लिख सकता है, यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बना होगा जो वैल्यू ले सकता है यूजर से, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है जिसपे क्लिक करने पर यह कोटेशन देगा, बट डायरेक्ट भी लगा दिया गया है वैल्यू चेंज करते ही, जैसे ही मैंने क्लिक किया था तुरंत इसने कोटेशन जनरेट कर दिया था, ठीक। तो जो ये चीजों की डिजाइन तैयार की गई है, ये इनपुट बॉक्स बनाया गया, ये बटन बनाया गया, ये सारा काम HTML में होता है। अब बारी आती है इसको खूबसूरती देने की, ठीक। जो ये ग्रीन कलर में आ रहा है, अंदर ये व्हाइट कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बॉक्स के बॉर्डर की लाइन जो है वो ब्लैक कलर की है, बोल्ड है, थोड़ा डार्क ब्लैक है, और बॉक्स की विड्थ देखिए, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो ऊपर से और नीचे से हाइट है इसमें, ये रियल टाइम कोड बोल्ड किया गया है, नीचे ये चीजें चेंज है, यहाँ पे ग्रीन एरो लगा हुआ है, ये BSE लिखा हुआ है, नीचे से कितना स्पेस छोड़ेंगे, ये सारी चीजें जब HTML में तो आपने लिख दिया, डिजाइन तैयार हो गई। अब ये सारी चीजें जो है ये स्टाइल शीट का हिस्सा है, इसका स्टाइल शीट का, कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS, उससे इस्तेमाल करके HTML में आप रंग रूप सब दे देते हैं, ठीक। तो सारी ब्यूटी CSS से बनाई जाती है। तो यहां तक की बात तो ठीक थी, लेकिन अगर ये मैंने ग्रीन बना भी दिया, ये बॉक्स में ये डिस्टेंस वगैरह दे भी दिया और यहाँ टाइप भी कर लिया, यहाँ टाइप भी कर लिया मैंने कि ठीक है मैं टाइप कर रहा हूं, फिर ये टाइप करके मेरे स्पेस दबाने पर ये लिस्ट खुल करके जो आई है, ये किस चीज का फीचर है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो लिस्ट खुल करके आई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहां से जैसे ही हम अपने पेज को डायनामिक बनाना शुरू करते हैं, डायनामिक मतलब रन टाइम पे, मतलब कि एक तो चीज ये कि एक लिस्ट यहाँ पहले से खुली हुई बनी होती, लेकिन नहीं, इसको नहीं पता ना कि मैं यहाँ पे SBI ही लिखने वाला हूँ। मैं अगर HDFC लिख दूं तो मैंने कहा HDFC लिख देता हूँ मैं, तो HDFC की डिटेल आ रही है। तो ये रन टाइम पे, डायनामिक मतलब रन टाइम पे आ जाइए, रन टाइम का मतलब कि अब ये पेज रन कर रहा है, कोई बना नहीं रहा है इसको, उस वक्त अचानक से मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसके बिहाफ पे ये इतनी सारी डिटेल मेरे लिए ढूंढ करके लेके आ रहा है और यहाँ लगा रहा है, और मैं जिसपे भी क्लिक करूंगा, जिसपे भी क्लिक करूंगा, उस पे क्लिक करने पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उस ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये मुझे कुछ डेटा दे देगा। तो इसी को जब इवेंट वर्ड यूज करते हैं, इवेंट क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहां तक तो मैं टाइप कर रहा था,
अब ये जो लिस्ट दी है जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक क्लिक इवेंट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्लिक इवेंट। तो मैंने क्लिक किया, इस क्लिक इवेंट पर कोई एक इसने फंक्शन बनाया होगा और उस फंक्शन के जरिए हमें एक अगला पेज दे दिया खोल के, कुछ नया डेटा दे दिया ओपन करके। तो ये जो सारा काम कर रहा है रन टाइम पे, पेज को डायनामिक बना दिया है, यही सारी चीजें जावा स्क्रिप्ट में होती है। मतलब आपके एक सिंपल से पेज को डायनामिक बनाने का काम जावा स्क्रिप्ट करती है। ये तो हुई ब्राउजर साइड की जावा स्क्रिप्ट, ठीक। देखते हैं होती है कि नहीं होती है। यहां जाता हूं और डेवलपर टूल खोलता हूं। ये रहा डेवलपर टूल, मोर टूल्स के अंदर ये डेवलपर टूल लिखा है, प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई अगर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया हमारा डेवलपर टूल। यहां से आपको बहुत बहुत बड़ी चीज है, ये देख रहे हैं पेज रुका हुआ है आपके नजर में, लेकिन वो रुका नहीं है, ये नेटवर्क का मतलब है इतनी रिक्वेस्ट गई। ये क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख करके देखते हैं, ये कंसोल भी क्लियर कर रहा हूँ इसका, सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एस बी आई, नीचे आपको दिख रहा होगा कितनी चीजें चलना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक। देखिए जैसे ही यहाँ पे आपने कुछ लिखा, एक एक्शन परफॉर्म किया, टेक्स्ट चेंज इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज किया तो टेक्स्ट चेंज इवेंट है, और उस इवेंट पे कोई एक लिसनर होगा जो उसकी बात सुन रहा होगा बैठा। जैसे ही आपने टेक्स्ट चेंज किया, उसने सुना कि टेक्स्ट चेंज हुआ है, तो उसके बिहाफ पे कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। ये लिस्ट ढूंढ के ले आ चुका था, देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा है। अब क्लियर कर देता हूं और अब मैं यहाँ पे HDFC बैंक पे क्लिक करता हूं। काम नहीं किया ये, क्या हुआ, अब क्लिक करता हूं कुछ कुछ कर रहा है ये, ठीक। वो मैंने उसको क्लियर भी कर दिया था तो बीच में आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, इससे ये भी बात याद रखिएगा कि आपके आते जाते डेटा को कोई डिस्टर्ब भी कर सकता है। अब ये इतना बड़ा पेज है कि हम इसके अंदर जाके मतलब कुछ कर नहीं सकते, बहुत बड़ा पेज है ये, दिख रहा होगा ये पूरा पेज है आपका, ये इसका बॉडी है, बंद किया, ये HTML का पेज है, ठीक। ये सोर्स है, यहाँ जाएंगे तो बहुत कुछ, मतलब ये इतनी चीजें हैं कि मतलब इसमें खो जाए आदमी ढूंढते ढूंढते, ठीक। ये analytics.js, ये सब पीछे ये जावा स्क्रिप्ट है, ये जितनी दिख रही है analytics.js, ऐसे ही करके इसमें हजारों जावा स्क्रिप्ट की फाइल होंगी जो आपके पेज को डायनामिक बनाती है। हमने कहा आज वार्म अप है, तो ये तो थी इसकी एक छोटी सी कहानी।